धरती पर हजारों करोड़ों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से जिन जीव जंतुओं को देखते हैं उन्हें हम पहचानते भी हैं और उनसे होने वाले खतरे से भी सावधान रहते हैं। हालांकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता और हम उनसे होने वाले नुकसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खास तौर पर रेंगने वाले कीड़ों में से कुछ इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि उनका एक वार ही उनके शिकार के लिए काफी होता है। सांप, कंकजूरा, जोंक और केचुए ऐसे कीड़ों में हैं जो अक्सर बरसात में रेंगते हुए दिख जाते हैं। इन्हीं की प्रजाति का एक कीड़ा होता है हैमरहेड वर्म। देखने में ये कीड़ा केचुए जैसा लगता है लेकिन ये उसकी तरह फायदेमंद नहीं बल्कि बेहद खतरनाक होता है। इसका शिकार करने का तरीका इतना डरावना है कि इससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। इस कीड़े के नाम से ही उसकी फितरत पता चलती है। हैमरहेड यानी कीड़े का सिर किसी हथौड़े की तरह होता है। ये दिखने में ज्यादा बड़ा भी नहीं होता और किसी स्लाइम की तरह लिसलिसा और जेल जैसा लगता है। इस कीड़े के शिकार करने का अंदाज बहुत ही अलग है। ये कीड़ा खुद किसी स्लाइम की तरह दिखाई देता है। ये ज्यादातर केचुए यानी अर्थवर्म्स का शिकार करते हैं। उसे देखते ही हैमरहेड वर्म अपने शरीर से एक चिपकने वाला तरल पदार्थ छोड़ देता है। हैमरहेड जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है उसमें टेट्राडोटॉक्सिन केमिकल होता है जो चिपक चुके शिकार के शरीर को तरल पदार्थ में तब्दील कर देता है। फिर हैमरहेड पानी बन चुकी टिश्यूज को पीकर अपनी भूख मिटाता है। वैसे तो जीवों को मारना सही नहीं है लेकिन हैमरहेड का जिंदा रहना पर्यावरण के लिए फायदेमंद केचुओं के लिए बहुत बुरा है। अगर ये जिंदा रहे तो केचुए नहीं बचेंगे। ऐसे में इन्हें देखते ही मार देने में ही भलाई है। वैसे इंसानों या जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है लेकिन पेड़ पौधों के लिए ये दुश्मन है। हम सभी जानते हैं कि केचुआ खेती किसानी से लेकर पेड़ पौधों की ग्रोथ में कितनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। उनका दुश्मन हैमरहेड खुद ब खुद पर्यावरण का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक भी इनके संरक्षण की वकालत नहीं करते।